घटना है 7 अक्टूबर दिन शुक्रवार, जब सलखन का रहने वाला रमेश नहीं, जो कि पेशे से एक टेम्पो का स्वामी और खुद ही उस टेम्पो को चलाता भी था, सोनभद्र मुख्यालय से करीब 700 से 800 मीटर की दूरी पर उर्मोरा स्थित सोनभद्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर अपनी विवाहिता के साथ इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल पहुँचे, जो कि पूर्व में 29 सितंबर को भी अस्पताल में इलाज के लिए आ चुके थे, जहां फेफड़ों में नशे के चलते इन्फेक्शन होने की शिकायत पाई गई। 7 अक्टूबर दिन शुक्रवार को करीब 2 से 3 बजे के अस्पताल जब पहुंचे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, उसी समय अचानक ज़मीन पर जा गिरे। मैं हूं मोहम्मद शाह फैसल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एजर डिजिटल। वो युवक इसी सलखन का रहने वाला है और हम चलते हैं उस युवक के घर और जानते हैं पूरा मामला कि आखिर युवक की अस्पताल में पहुंचकर मौत कैसे हुई और क्या था उसकी जीवन। ये उनकी बहन है और आप उनकी माता हैं। हाँ, आप उनकी जो है कि मिसेस थी और आप माता थी। बच्चे अच्छा, ये बच्चे युवक के बच्चे कितने बच्चे हैं? अच्छा, कितने बच्चे हैं? ये 3 बच्चे हैं। ये बड़ा लड़का है, ये छोटी लड़की है और एक लड़की। ये 3 बच्चे थे उस युवक के। तल आप लोग पहुँचे, जैसा कि है कि आप अस्पताल पहुँचते हैं, वहाँ पे 2-4 मिनट बैठा हुआ कैमरे में, सीसीटीवी कैमरे में आ रहा था कि आप लोग गए हैं, बैठे हैं, फिर उसके बाद से एकाएक से वो गिर गए। हाँ हाँ, बताए मांग के नहीं। हम पैसा दे ली है, माई पैसा हम दे दवाई करावे जाती, बहू हमारे लिए गई दवा करावे। अच्छा, तो आप साथ में थी? हाँ। अच्छा, ये बताइए, आप वहाँ जब पहुँचे हैं तो पहली बार पहुँचे थे या इसके पहले भी इलाज कराए? 15 दिन, तीसरा दिन था। हाँ, 2 बार दवा करा के एक्सरे करा के वहाँ सब लेके आ रही। क्या रिपोर्ट में निकला था एक्सरे में? रिपोर्ट में कहा जो कुछ इन्फेक्शन में मतलब गड़बड़ी है। मतलब कैसे इन्फेक्शन आ गया था, क्या वजह थी? इन्फेक्शन क्यों हुआ था फेफड़े में, जो एक्सरे रिपोर्ट आई थी? दवा से उनके दवा से आराम बीच में मिल गल है। अच्छा, तो जैसा कि उनकी माताजी का कहना है कि 2-3 बार इसके पहले वो अस्पताल में पहुँची थी और एक्सरे वगैरह रिपोर्ट जाँच वगैरह हुई थी, तो उसमें डॉक्टर साहब की तरफ से इन्फेक्शन की बात कही गई थी और ये तीसरी बार आप पहुँचे थे। तो 2 बार? हाँ, अच्छा, 15 दिन से दवा भी चला रहे थे हॉस्पिटल से। और कुछ नशा वगैरह भी करते थे क्या वो, कुछ बताएं? थोड़ा मोड़ा। अच्छा, थोड़ा मोड़ा नशे की भी आदत थी। ये उनकी रिपोर्ट है 29 सितंबर को, पहला पर्ची ये दिखा रहे हैं कि 29 सितंबर को इन्होंने चेक कराया था। ये है रिपोर्ट जी, बेहोश इसके ले जाओ बनारस। तभी वो जानबूझकर भेजे, वो बनारस के रेफर कर दिए। नहीं लगाए ना, तो कुछ भी नहीं लगाए, ऑक्सीजन भी नहीं दिए। पहले से खत्म हो चुके, तब भी वो भेज रहे थे बनारस के लिए। महिला के संगे अपने एम्बुलेंस बुला करके और बनारस के लिए भेजे थे बिना गार्जियन को। बनारस उनको भर्ती करना है, बनारस भर्ती करने के नाम पे वो भेज रहे थे। तो आप बोले कि नहीं, हमें नहीं जाना है, बीच में हमें अस्पताल हमारे भैया के दिखावे दा, हमन बनारस का करे जाबे, हमन देखती हमारे भैया के सीरियस बात, कहीं अस्पताल में दिखावे दा। तो बुलेंस वाला कहता नहीं, डॉक्टर बनारस के लिए भेजा है, बनारस हम दिखाएंगे। उनको सब पता है कि ये जिंदा नहीं है, जानबूझकर वो भेज रहे हैं। हम हिंगवारी अस्पताल में देखली, हिंगवारी अस्पताल वाला बोला जे इसके लोढ़ी ले जाओ, नहीं घर घर ले जाओ, खत्म है। हाँ, तब हम अस्पताल में वहीं पे खत्म हो गए, लेकिन बता नहीं रहे थे वो, बोले नहीं बताए। ये महिला इतना रो रही थी, झिझिया रही थी, ड्राइवर से भी लड़ गई थी कि मत ले जाइए, मत ले जाइए। अकेले दोनों मिलन के लदवाई के एम्बुलेंस पर दोनों मिलन के। हां, कोई कर दिया नहीं, एम्बुलेंस तू नहीं लदो होता, बता देना बाटी खत्म पर, तू घर ले जाओ, घर ले जाओ, बता देना चाहिए कि घर ले जाओ। तू अस्पताल पर आरोप लगा रहे हैं कि गुमराह करने की कोशिश की गई, कि जब बॉडी डेड कर गई और तो इस तरह से उनको गुमराह किया गया कि बेहोश है और इनको तत्काल बनारस ले जाने की ज़रूरत है। हालांकि ऐसा कोई मामला नहीं था, क्योंकि बॉडी पहले ही डेड कर चुकी थी। तो अगर वो बेहोश थे तो उनको बोतल पानी ऑक्सीजन लगा कर भेजना चाहिए था, तो
सब दोनों पकड़ करके मैं देखिए इलाज करे, ऑक्सीजन लगाइए लगाइए, दवा लगाइए, बीपी शुगर कहीं कुछ भी नहीं इलाज। तो ये एक बड़ा आरोप है, अस्पताल के ऊपर कि अगर मरीज को अस्पताल ही रेफर करना था तो ट्रीटमेंट के साथ आप करना चाहिए था, तो ट्रीटमेंट किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, बस एम्बुलेंस में बॉडी को रख के भेज दिया गया कि आप बना। तो ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है परिवार की तरफ से अस्पताल के ऊपर। उनको बता देना चाहिए, पूरे परिवार वालों का खुल के ये आरोप है कि अस्पताल वाले ने पूरी तरह से गुमराह करने की कोशिश किया। बॉडी डेड कर चुकी थी, लेकिन उस समय ये हम लोगों को जानकारी इनको नहीं दी गई थी कि बॉडी डेड कर गई है, और सीधा सीधा सिर्फ बनारस जाने के लिए इन लोगों ने गुमराह करके बनारस, अगर बनारस इनका कहना है, परिवार वालों का कहना है कि बनारस अगर बॉडी को भेजना ही था, ट्रीटमेंट कराना ही था, और वो बेहोशी के आलम में थे, बॉडी डेड नहीं की थी, तो ट्रीटमेंट के साथ बॉडी को भेजा जाता है, ना कि एम्बुलेंस में बस से एक लावारिस लाश की तरह से बॉडी को फेंक दिया गया एक महिला के साथ, जो महिला खुद अपने होश में नहीं थी, और उसके साथ उस एम्बुलेंस में लाद करके उस अस्पताल से इनको रुखसत कर दिया गया, जबरदस्ती महिला को बैठाया, मेरी घर का गार्जियन आ जाएंगे। बॉडी के साथ सिर्फ आप ही थी, मौके पे जो युवक की औरत थी केवल वही थी, और वो लगातार अस्पताल प्रशासन से कह रही थी हमारे घर वालों को आ जाने दीजिए, फिर उसके बाद से अगर बॉडी को बनारस लेके जाना होगा या किसी तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, उन्होंने नहीं सुना और बॉडी को इनके साथ भेज दिया एम्बुलेंस। अब 10 मिनट तक रुकी हमारे, तभी वो नहीं रुक रहे थे। फिर आनन फानन में बॉडी को रफा दफा किया गया, वहाँ से हटाया गया अस्पताल की तरफ से। एक बड़ा गंभीर आरोप है अस्पताल के ऊपर। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।